हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? टुडे वी विल रीड अबाउट आवर फैमिलीज। ये हमारा चैप्टर है आवर फैमिलीज, इसमें हम लोग फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। लेसन 3। ये हमारा है पेज नंबर 12। इसमें दिया हुआ है लेट्स डू इट, लेट्स मेक ए फैमिली ट्री। इसमें फैमिली ट्री बनाना है। ड्रा दिस पिक्चर ऑफ ए ट्री इन योर नोटबुक। आपको अपने नोटबुक में इस पिक्चर को ड्रॉ करना है। इनसाइड ईच ऑफ द लीव्स ड्रा ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन फ्रॉम योर फैमिली। यानी कि हर एक लीव्स के अंदर, प्रत्येक लीव्स के अंदर आपको पिक्चर ड्रॉ करना है। किसका? अपनी फैमिली के किसी भी व्यक्ति के। यू कैन ऐड मोर लीव्स और रिमूव ए फ्यू लीव्स। आप इसमें पत्ते को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। If you want to show more or less people, अगर आप चाहते हैं तो कुछ लोग को यानी कि लेस भी कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ऐसा एक फैमिली ट्री बनाना है और इसमें जो राउंड राउंड है, इसमें फैमिली का पिक्चर्स बनाने हैं इसमें। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 13 पर। ए फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। दैट मीन्स परिवार जो है वो एक लोगों का समूह है जो एक दूसरे के संबंधित है। द पीपल इन ए फैमिली यूजली लिव टुगेदर। यानी कि लोग जो होते हैं फैमिली में, लोग एक साथ रहते हैं। टाइप्स ऑफ फैमिली। अन्ना इज 6 ईयर्स ओल्ड। अन्ना जो है वो 6 साल का है। सी एंड हर ब्रदर, वह और उसका ब्रदर जशोन लिव विथ देयर पेरेंट्स। वो दोनों अपने पेरेंट्स के साथ यानी कि अपने माता पिता के साथ रहते हैं। दे फॉर्म ए स्मॉल फैमिली। ये एक स्मॉल फैमिली है, छोटा परिवार है। अमृता हैज 2 ब्रदर्स एंड ए बेबी सिस्टर। अमृता के 2 भाई हैं और एक सिस्टर है, बेबी सिस्टर यानी कि छोटी सिस्टर है, बहन है। दे लिव विथ देयर पेरेंट्स। वे लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। अमृता लिव्स इन ए लार्ज फैमिली। अमृता जो है वो एक बड़े परिवार में रहती है, संयुक्त परिवार में। वेन ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन लिव टुगेदर एज ए फैमिली, इट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। यहाँ पे जब पेरेंट्स, केवल पेरेंट्स और चिल्ड्रेन यानी कि माता पिता और बच्चे, केवल माता पिता और बच्चे जब एक साथ रहते हो फैमिली में, तो उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे, यानी कि एकल परिवार, वो एकल परिवार कहलाता है। रवि लिव्स विथ हिज फादर। रवि अपने फादर के साथ रहता है। मदर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिस्टर, यानी कि रवि जो है वो अपने पिता, माता, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी और बहन के साथ रहता है। हिज फादर्स ब्रदर यानी कि उसके पिता के भाई, एंड हिज फादर्स ब्रदर्स वाइफ और उसके पिता के भाई के वाइफ आल्सो लिव विथ देम। ये सब लोग भी एक साथ रहते हैं।
दे आर रविज अंकल एंड आंट, यानी कि रवि के अंकल आंट हैं। देयर डॉटर इज रविज कज़न, यानी कि उनके डॉटर यानी कि जो रवि के अंकल आंट हैं, जैसे यहाँ पर हम बताएं कि रवि के पिता के भाई यानी कि फादर्स ब्रदर एंड हिज फादर्स ब्रदर्स वाइफ आल्सो लिव विथ देम, यानी कि ये सभी इनके एक साथ रहते हैं। तो ये क्या हुए, रवि के अंकल और आंट हुए, और अंकल आंट के बेटा बेटी रवि के कज़न कहलाएंगे, यानी कि चचेरा भाई या फिर बहन। वेन ग्रैंड पेरेंट्स आंट्स अंकल्स एंड कज़न लिव टुगेदर इट इज़ कॉल्ड ए ज्वाइंट फैमिली, यानी कि जिस फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स आंट्स अंकल्स एंड कज़न्स यानी कि दादा दादी चाचा चाची और चचेरा भाई बहन ये सभी लोग एक साथ रहते हो, उनको हम लोग ज्वाइंट फैमिली कहते हैं यानी कि संयुक्त परिवार कहते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर है, मुकुल लिव्स विथ हिज मदर, मुकुल अपने माता के साथ रहता है। ए फैमिली दैट इज मेड अप ऑफ चिल्ड्रेन एंड वन पेरेंट ओनली इज अ सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी कि जिस फैमिली में चिल्ड्रेन एंड ओनली वन पेरेंट यानी कि माता पिता में से कोई एक हो, या फिर माता हो या फिर एक पिता, दोनों में से कोई एक हो और उनके बच्चे, तो उनको हम लोग सिंगल पेरेंट फैमिली कहेंगे। ए फैमिली वर्क्स टुगेदर, फैमिली में सब लोग एक साथ मिलजुल करके काम करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जगजीत एंड हरप्रीत ट्राई टू हेल्प देयर पेरेंट्स विथ द हाउस वर्क, जगजीत और हरप्रीत ये दोनों अपने पेरेंट्स के साथ काम मदद करते हैं अपने पेरेंट्स की घर के कामों में। यहाँ पे पिक्चर्स में भी दिया हुआ है। दे कीप देयर रूम नीट एंड क्लीन, वे लोग अपना रूम साफ सफाई करते हैं। दे पुट देयर टॉयज अवे आफ्टर प्लेइंग, वे लोग खेलने के बाद अपने टॉयज को रखते हैं। दे ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स फोल्ड द वॉश्ड क्लोथ्स, और क्या करते हैं वे लोग अपने पेरेंट्स का मदद भी करते हैं, किस चीज़ में, कपड़े को वॉश्ड करने में और फोल्ड करने में, यानी कि धोए हुए कपड़े को मोड़ करके रखने में अपने पेरेंट्स का भी मदद करते हैं। देयर पेरेंट्स हेल्प जगजीत एंड हरप्रीत गेट रेडी फॉर स्कूल, उनके पेरेंट्स भी जगजीत और हरप्रीत का मदद करते हैं, किस चीज़ में, स्कूल के लिए तैयार होने में। टुडे देयर पेरेंट्स आर प्रिपेयरिंग ए फीस्ट, यानी कि आज उनके जो पेरेंट्स हैं वो एक दावत तैयार करते हैं। देयर ग्रैंड मदर हैज़ कम फॉर ए विजिट, यानी कि उनके जो ग्रैंड मदर है दादी आती हैं। व्हेन द फूड इज रेडी, जब भोजन तैयार हो जाता है तो सी हेल्प्स जगजीत एंड हरप्रीत ले द टेबल, वह यानी कि दादी जगजीत और हरप्रीत का मदद करती है टेबल को लगाने में। नेक्स्ट पेज नंबर पर आते हैं, ये हमारा पेज नंबर 15 है। हरप्रीत सेट्स द प्लेट्स, तो हरप्रीत क्या करता है, प्लेट सेट करता है। एंड जगजीत सेट्स द ग्लास, और जगजीत जो है वो ग्लासेस सेट करता है। ऑन द डाइनिंग टेबल, कहाँ पर, डाइनिंग टेबल पर। देन दे ऑल सिट डाउन टू हैव ए वंडरफुल डिनर, तब वे लोग क्या करते हैं, सभी लोग बैठ जाते हैं और डिनर करते हैं। इन ए फैमिली एवरी वन लव्स इज टुगेदर, यानी कि परिवार में सभी लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। दे हेल्प
ईच अदर एंड वर्क टुगेदर। वे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और काम भी वे लोग एक साथ करते हैं। नेक्स्ट है नेम एंड सरनेम, यानी कि नाम और उपनाम। ऑल द मेंबर्स ऑफ अरिब्स फैमिली राइट हुसैन आफ्टर देयर नेम, यानी कि अरिफ के जो परिवार के सभी सदस्य हैं वे लोग अपने नाम के बाद हुसैन लिखते हैं। इवन द नेम प्लेट ऑन देयर फ्रंट डोर हैज द हुसैन रिटेन ऑन इट, यहाँ तक कि अपने दरवाजे के सामने जो नेम प्लेट लगा रहता है उस पर भी वे लोग हुसैन लिखते हैं। Why do you write Hussain after our names? Arif asked his mother. Arif जो है अपने मॉम से पूछता है कि हम लोग अपने नाम के बाद हुसैन क्यों लिखते हैं। Hussain is our surname, replied his mother. यानी कि उसकी मॉम जो है वो जवाब देती है कि हुसैन जो है वो हमारा उपनाम है। पीपल इन द सेम फैमिली ऑफ्टन हैव ए फैमिली नेम और सरनेम, यानी कि एक ही परिवार के लोगों में अक्सर एक परिवार का नाम या उपनाम होता है। आवर फुल नेम इज आवर नेम एंड सरनेम टुगेदर, हमारा पूरा नाम हमारा नाम और उपनाम एक साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है अनुज फुल नेम इज अनुराव, यानी कि अनु का पूरा नाम अनुराव है। हर पेरेंट्स नेम्स आर मीरा एंड राजन, देयर सरनेम इज राव, और उसके पेरेंट्स का नाम है मीरा और राजन, ठीक है, तो उनका ये सरनेम हो गया मीरा राव, राजन राव, अनुराव। तो ये जो हमारा लास्ट में राव है ये सरनेम हो गया, और ये सरनेम हमारे फैमिली के अदर मेंबर्स से भी जुड़ा रहता है। ओके, थैंक्स।